हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी ताड़ूबा की, जो कि महाराष्ट्र में। तो उससे रिलेटेड कई क्वेरीज थी लोगों की, कि जैसे होटल की बुकिंग कैसे करवानी है, मोबाइल फ़ोन अलाउड है नहीं, और भी कुछ रूल्स हैं क्या, और कितना हमारा बजट रहा था। तो उसके लिए मैंने ये क्विक वीडियो बनाने का सोचा है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑनलाइन बुकिंग करवानी है टिकट्स की। आपको अपने सिस्टम का कोई भी ब्राउज़र खोलना है और टाइप करना है सफारी। ये आ गया सफारी बुकिंग डॉट महाफॉरेस्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन स्लैश यूज़र लॉग इन। जब हम इसे एंटर करेंगे तो ऐसा एक पेज खुलेगा जिसमें साइन इन का ऑप्शन है और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप सेकेंड टाइम क्रिएट करके लॉग इन करें तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से आप फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर और ईमेल आईडी वगैरह सब डालने हैं, एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। इससे आपके एक अकाउंट बन जाएगा सफारी बुकिंग डॉट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो फिर आप वो क्रिएट करके दोबारा से उसी वेबसाइट पे जाएंगे जो हमने फर्स्ट टाइप करी थी, यूज़र लॉगिन वाली, एंड देन वही जिस से आपने क्रिएट की थी अभी आईडी, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड सेम पासवर्ड यूज़ करेंगे। सो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है इस पे। तो जब हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे तो ऐसा पेज हमारे सामने आएगा। तो आप पेज पे ही देख सकते हैं सफारी बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पे बुक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक हेयर पे क्लिक करेंगे, हमें लेफ्ट में यूज़र पैनल में सफारी बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा। इसको हमें एक्सपेंड करना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, तत्काल या रेगुलर। तो अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप तत्काल बुकिंग पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल रेगुलर बुकिंग पे क्लिक करके बुक कर सकते हैं। तो अब हमें सिलेक्ट करना है जोन, या फिर आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कुछ पर्टिकुलर ताड़ोबा की नहीं है। इसलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे, जैसे पेंच और बोर का भी आएगा, पर हमें ताड़ोबा की करनी है। तो ताड़ोबा में आपको कोर की करनी है, बफर की, वो भी ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बफर जोन से दिखाई थी, तो हम बफर सिलेक्ट करते हैं। और फिर जोन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले से जाना चाहते हैं। सो लेट्स से हमें कोलारा में सफारी करनी है, तो हम कोलारा ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड देन व्हीकल सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है शेयरिंग जिप्सी का, तो एक सफारी में मैक्सिमम 6 लोग जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके कितने मेंबर हैं। अगर 6 के 6 पूरे हैं तो पूरी सफारी आपको मिल सकती है, अगर अवेलेबल होगी तो, वरना आप शेयरिंग करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, देन डेट ऑफ बुकिंग आपको करनी है। सो लेट्स से अगर मैं 30th की देखूँ, तो यहाँ पे देखो सब बुक्ड दिखा रहा है, मतलब इस दिन पे अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल है तो 1 सीट 2 सीट इस आफ्टरनून की सफारी में अवेलेबल है। मैंने फुल जिप्सी सिलेक्ट की थी, इसलिए मुझे पूरी जिप्सी के चार्ज देने पड़ेंगे, और मैं अकेला बंदा होऊंगा जो उसमें सफारी करेगा। बट अगर आप शेयर ले सकते हैं, या आप 6 लोग हैं तो आप तो फुल जिप्सी ही लें, 1 फुल जिप्सी। बट अगर आप 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, तो आपको ये टोटल बेंच लेना पड़ेगा, कि जैसे 3 लोग हैं एक बेंच में आपका हो जाएगा। या अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं और आपको एक ही सीट चाहिए, तो आप ये TS वाली सीट्स बुक करें। तो FG तब करवाना है जब आपको फुल जिप्सी अपने लिए ही चाहिए हो, TB तब जब आपको 3 के मल्टीपल में हो, 3 या 6, तो आपको उसके केस में ये करवाना है, और TS जब इंडिविजुअल सीट हो, जैसे 1 या 2। तो लेट्स से मैं अकेली हूँ तो मुझे TS वाली करवानी है। तो मैंने अब ये सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ पर्सन 1, टूरिस्ट का अगेन नाम पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी, कुछ भी एज हम डाल देंगे, और यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे और कुछ मोबाइल नंबर रैंडम।
एंड देन यस आई हैव अ कैमरा, वन कैमरा आई हैव, एंड देन दिस वन सिंगल सीट सिलेक्ट की है, तो मेरे चार्जेस है 1500, और अलग से एक कैमरा बुक करवाया है तो उसके 250 अलग से, तो मेरा टोटल अमाउंट हो गया 1750। देन आई हैव टू क्लिक ऑन पे, आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है यूपीआई के, क्रेडिट कार्ड के, बट उसमें एडिशनल चार्जेस लगेंगे बैंक के, और अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो इस तरह जब आप पे कर देंगे तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, और आपको मेल भी आ जाएगा आपकी दी ईमेल आईडी पर, और आपको मैसेज भी मिल जाएगा। तो ऐसे करवानी है बुकिंग सफारी की। सेकंड है होटल्स जहाँ हमने स्टे किया था, तो हमने दो ही होटल में स्टे किया था। फर्स्ट था व्हाइट हाउस फार्म, जो कि 17 किलोमीटर दूर था अलीजिंजा गेट से। वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी थी, और बहुत ही उन्होंने मतलब हमें भी हेल्प करी कि कैसे हमें कौन सा गेट चूज़ करना चाहिए। और सेकंड होटल था अजिंक्य फार्म, जो कि गांव जैसा रूम और पूरा इन्वायरमेंट वैसा ही था, अभी वो पूरा बना भी नहीं है, सो वो ओके टाइप था। तो इन दोनों होटल्स का भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको वो चेकआउट करने हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक, या और रूल्स की बात की जाए तो पहला है कि आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, फ़ोन गाइड के पास रहता है, तो आप कैमरा ले जा सकते हैं, और उसका प्रोसीजर मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि आप कैसे उसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं। और सेकंड ऐसे लिखा है कि कलर जो है वो फॉरेस्ट से मैच करते होने चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है बट आप खुद की प्रोटेक्शन के लिए। और बस आई थिंक ज़्यादा रूल नहीं है, यही रूल है जो आपको फॉलो करना है। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, अगर मैं उस पर वीडियो बना पाई तो मैं ज़रूर आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ताड़ोबा के, टिल देन हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।